ऑनलाइन वालों भी तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा हो गया, घर में जाकर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि एक ही दिन बहुत पढ़ा दिया मैंने, पर टेस्ट से आपका टेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। आ गया, हाँ आ गया स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला जैव आरक्षित पंडल कौन है? अरे बनाना है, कॉपी में लिखना है। अच्छा ऐसे ही कर दो डिस्कस क्या? ठीक है चलो, टाइम भी कम है। जैव मंडल भारत का पहला बायोस्फीयर 1986, बहुत अच्छा। कौन एक गलत है? सुगर केन एमपी, ठीक है गुजरात महाराष्ट्र में होते रहता है कभी, गुजरात महाराष्ट्र। सुगर केन एमपी तो नहीं है ना, महाराष्ट्र और यूपी है, महाराष्ट्र और यूपी है। कपास में कभी गुजरात कभी महाराष्ट्र होते रहता है, सही आंसर। पर्यावरण का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट? बता देना, पश्चिमी घाट। आपसे पूछे अगला प्रश्न, कोई नहीं बोलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, सबसे दक्षिण में इन चारों में कौन है आपको बताना, बाकी लोग नहीं बताइएगा। हम मैप से देखना शुरू किए, दोदा बेटा कहाँ था देखना लगी, सबसे दक्षिण में कौन हो पाएगा, बोलिए बताइए सबसे दक्षिण में कौन? क्या दोदा बेटा है, अन्ना मुंडी है, कुद्रेमुख है, मलयगिरी है, कौन है? सी कौन है? अगर वो समझ गए तो सब समझ जाएगा ना। सही आंसर क्या है? अन्ना मुंडी। लैगून और कायल कहाँ होता है? मालाबार, बहुत बढ़िया, क्या बात। कोलेरू और पुलिकट झील किस तट पर है? पूर्वी के पश्चिमी। कालीकट को कोयम्बटूर से याद कीजिए ना, पालघाट। अरे अभी तो बताया थे उसको, अभी जस्ट बताया। अंडमान में है, लक्षद्वीप का कौन सा आइलैंड में? टेन डिग्री चैनल। पूरा का पूरा कार और छोटी, कार और छोटी, कार छोटी हो गई, कार छोटी, कार छोटी, कार अब छोटी हो गई है, कार छोटी, कार छोटी है कहीं। सी पूर्व की ओर बह रही है। पेरियार किस राज्य में? कॉफी कहाँ? कॉफी नाटक, अभी बताया थे कॉफी कर्नाटक। मसाला केरला नहीं होके अब अगर महाराष्ट्र हो गया, ठीक। नेक्स्ट, हरित क्रांति कल पढ़ाया थे क्या? गेहूं। बैरन आइलैंड कहाँ है? बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अमरकंटक कहाँ? महादेव नहीं, मैकाल। मिलाइए लास्ट टफेस्ट क्वेश्चन, सबसे टफ प्रश्न आज का। क्या कार्डमम जो है वो
क्या कार्डोमम तट पर है कि पश्चिमी घाट का पार्ट? क्या ये तट पर है कि पश्चिमी घाट में? कैमूर क्या ये मध्य भारत में है? ये पूर्वी है? हाँ असम में है। ठीक, अगर ये बन गया तो बाकी 14 तो कुछ नहीं था, सबसे टफ यही है बना। ठीक, अब नहीं पूछूंगा आज 15-15 तो ऐसे ही चलते रहा। आई होप एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, थक भी गया हूँ मैं, मालूम है मुझे थक गया होंगे आप। इसके बाद कल हम लोगों का क्लास जो आ रहा है झारखंड का, कल बैद्यनाथ उपाध्याय जी आ रहे हैं और कल मुझे लगता है 12:15 से आपका झारखंड क्लास चलेगा। उन्होंने कहा है झारखंड में, वो झारखंड कैसे बना उसका जो एक आज़ादी के बाद झारखंड का जो बनने का इतिहास है, झारखंड राज्य बनने का निर्माण है, उसको वो पूरा आपके दिमाग में छापेंगे, तो वो सारा आपका कल क्लास लेंगे। परसों जो है वो एक्चुअली मुहर्रम भी है, तो मुहर्रम है तो क्लास लेना वाली बात हो जाती है, तो फेस्टिवल में बंद रखना उचित रहेगा, सही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर वो नहीं संभव हो सका तो उन लोग का उनका ऑनलाइन क्लास करवा सकते हैं घर में बैठे बैठे, क्योंकि वो अभी 3 दिन रहेंगे, कल परसों नरसों। नहीं देख लीजिए, बाकी मुहर्रम जिनका है, कितने लोगों का मुहर्रम है, तो अब वो है कि मुहर्रम आप लोग नहीं ना आइएगा, सीधी सी बात, तो उस समय हम लोग कुछ ऐसा करें घर से ऑनलाइन क्लास करवा दे, रिकॉर्डिंग क्लास दे दे, वीडियो दे दे, कुछ ऐसा, क्योंकि वो आ रहे हैं तो हम चाह रहे थे कि फिर वो एक दिन उनका बर्बाद ना जाए, और फिर संडे को उसके बाद 3 दिन, मेरी इच्छा थी कि 3 दिन लगातार झारखंड क्लास आपका एक सेशन का हो जाए, तो मुहर्रम का हम लोग बंद रखेंगे, ठीक है मैं बंद कर दूंगा, लेकिन वो ऑनलाइन वाली और वो क्लास तो शुरू कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वही करेंगे। तो हम लोग कल से झारखंड का एक सेशन चलेगा, साथ ही साथ जो चलता है बाकी सेशन जो वो चलेगा मैथ एंड रीजनिंग वो सब तो है ही, ठीक है। तो झारखंड का अगर उनका 2-3 क्लास हो जाएगा तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बार बार मुझे कमेंट करके ना परेशान करें कि सर झारखंड आप ही पढ़ाइए, काहे नहीं पढ़ा, एक बार झारखंड उनका होने दीजिए, हम तो हैं ही, फिर मैं आपको झारखंड पढ़ाऊंगा सभी लोगों को, ऑनलाइन वालों को भी। अगर लग रहा है कि क्लास जो है वो रियली बहुत अच्छा हो रहा है, चीज़ें वाकई दिमाग में छप रही है, हम लोगों ने लिखा था दिमाग में छपने वाला क्लास, तो अगर आपको लग रहा है कि रियल में प्रिंट हो रहा जा रहा है क्या, तो इसको लग रहा है तो भाई हम हमेशा कहेंगे कि 3 चीज हमारे पूरी टीम के लिए करना है, वो ये है कि एक तो लाइक अच्छा होना चाहिए, दूसरा है कि मैक्सिमम लोगों तक बताइए, ये ऐसा पढ़ाइए जो सिर्फ लेबल नहीं है, नाम है JSSC का, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के सभी कॉम्पिटिशन में काम आएगा, कोई एग्जाम दीजिए समय काम आएगा, तो ये आप बाकी लोगों को बताइए, ये चैनल और भी जगह जाना चाहिए, तो बाकी को भी जितना हो सके जितने ग्रुप है शेयर कीजिए, मैक्सिमम को शेयर और सब्सक्राइब कराने का प्रयास, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, इतना ब्लड जलाने के बाद इतना तो उम्मीद है आपसे है और इतना अधिकार भी है। ओके, थैंक यू।